फ्रेंड, टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, सो टेक आउट योर बुक एंड कम टू पेज नंबर 80. टुडे टॉपिक इज वोल्केनो. वी नो दैट द इनर पार्ट ऑफ द अर्थ हैज़ हॉटर. अभी हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो इनर पार्ट होता है अर्थ का वो कैसा होता है, हॉट होता है. बॉयलिंग लिक्विड रॉक्स एंड गैसेज, उसके अंदर क्या होती हैं, लिक्विड रॉक होती हैं और गैसेज होती हैं. अंडर वेरी हाई प्रेशर दे शूट अपवर्ड, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है नीचे की और अंडर साइड में तो क्या होती है, वो शूट कर जाती हैं अपवर्ड की साइड में, ऊपर की तरफ. दे कम आउट ऑफ फ्रॉम द अर्थ सरफेस एज लावा फ्रॉम कॉन शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड वोल्केनोस. ये क्या होती है, कॉन शेप स्ट्रक्चर होता है, देखिए स्ट्रक्चर भी दे रखा है वोल्केनोस का. इससे क्या होती है, अपर साइड में आ जाती है, जिसे लावा कहा जाता है. लावा कोल डाउन टू फॉर्म हार्ड रॉक, लावा जो होती है जब वो ठंडी हो जाती है तो वो हार्ड रॉक फॉर्म कर लेती है, हार्ड फॉर्म चेंज हो जाती है. हॉट लावा डिस्ट्रॉय एनिमल्स प्लांट्स ह्यूमंस एंड विलेजेस कॉजिंग वेरी सेवर डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. जब लावा फटता है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता है वो एनिमल्स को, प्लांट्स को, ह्यूमंस को, विलेजेस को और पूरी प्रॉपर्टी को, जो क्या करता है, सबको डैमेज कर देता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है. मूवमेंट ऑफ द अर्थ, अब हम पढ़ेंगे अर्थ की जो मूवमेंट होती है. द अर्थ इज़ मूविंग ऑल द टाइम, अर्थ जो होता है वो हर टाइम मूव करता रहता है. इट कीप्स स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सेस एंड एट द सेम टाइम इट इज़ मूविंग अराउंड द सन. द टू डिफरेंट मोशन ऑफ द अर्थ अकाउंट फॉर चेंज ऑफ डे एंड नाइट एंड ऑल्सो ऑफ सीजन. अर्थ क्या करता है, देखिए ये इस टाइप से भी मूव करता है कि आपस में मूव करेगा, देखिए इस टाइप से भी मूव करता है और इस टाइप से भी मूव करता है, दोनों तरीके से मूव करता है. मीन्स अपने एक्सिस पर रहकर भी करता है और उसके चारों तरफ भी करता है. तो वो जो होती है क्या करता है, इसके कारण क्या होता है, डे एंड नाइट होता है और सीजन में भी चेंजेस आती हैं. रोटेशन, फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि रोटेशन कौन सा होता है. द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, क्या करता है, अर्थ अपने ही एक्सिस पर रहकर, मीन्स एक ही पॉइंट पर रहकर, इस टाइप से एक ही पॉइंट पर रहकर मूव करता है. कहाँ पर मूव करता है, वेस्ट टू ईस्ट. द एक्सिस इन एन इमेजरी लाइन पासिव थ्रू द नॉर्थन एंड द साउथर्न पोल्स ऑन इट्स ऑन द एक्सिस. इसके जो होती है एक इमेजरी लाइन होती है जो नॉर्थन पोल से साउथर्न पोल्स के बीच होती है. द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज कम्प्लीट इन अबाउट 24 आवर एंड इट्स कॉल्ड द डेली मोशन ऑफ द अर्थ. वन रोटेशन जो कम्प्लीट होता है वो कितने आवर्स में कम्प्लीट होता है, 24 आवर्स में कम्प्लीट होता है, जिसे डेली मोशन भी कहा जाता है. डीज मोशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट, इसी के वजह से डे एंड नाइट जो होता है हो पाता है. सेकेंड है हमारी जो मोशन होता है वो क्या होता है, रिवॉल्यूशन. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. जब सन के चारों ओर अर्थ राउंड लगाता है, मीन सन बीच में होता है और उसके चारों तरफ राउंड लगाता है तो वो कहलाता है रिवॉल्यूशन. और जब अपने ही एक्सिस पर राउंड लगाता है, पूरा घूमता है, वो कहलाता है रोटेशन. दीज मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये भी वेस्ट टू ईस्ट होती है. द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज 1 ईयर, जो रिवॉल्यूशन का पीरियड कंप्लीट होता है, मीन वन रिवॉल्यूशन जो कंप्लीट होता है वो कितने डेज में होता है, 365 डेज में होता है, पूरे एक साल में. दिस इज कॉल्ड सोलर ईयर, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सोलर ईयर कहा जाता है. दिस कॉजेज द डिफरेंट सीजन ऑन द अर्थ, इसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंट सीजन्स होते हैं अर्थ पे. द मेन 4 सीजन आर स्प्रिंग समर मानसून एंड विंटर, जो मेन सीजन कौन कौन से हैं, स्प्रिंग समर मानसून एंड विंटर.